सॉरी सर, मुझे लगा लिफ्ट छूट जाएगी। विच फ्लोर? अच्छा, आप भी फोर्थ फ्लोर पर ही जा रहे हैं। आप प्रोफेसर धीरेन्द्र, द फेमस मोटिवेशनल स्पीकर एंड राइटर? सर, व्हाट अ प्लेजर टू मीट यू। सर, आई एम शेखर आनंद। सर, मैंने आपकी सारी किताबें पढ़ी हैं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप तो सर मेरे आइडल हैं। थैंक यू सर। सर, आप कुछ दिन रहेंगे यहाँ? सर, फिर एक दो बार मिलना हो सकता है हमारा? व्हाई नॉट, श्योर, कल या परसों। सर, मैं ज़रूर आपसे मिलना चाहूँगा। बेशक। सर, बड़ा मन था आपसे मिलने का, आपको बता नहीं सकता सर, बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके। ढेर सारी बातें करनी है सर, ज़िंदगी का क्या पता, हम फिर कभी मिलें या ना मिले। You're right. मेरा कमरा आ गया। सर, ये आपका कमरा? आपके बिल्कुल सामने वाला मेरा कमरा है। अच्छा अच्छा। सर, अब तो मैं आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। ओके, सी यू। गुड नाइट सर। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं सर आप? ठीक हो? कल रात तो मैं सो ही नहीं सका। क्यों? सर, आप जैसे ग्रेट पर्सनालिटी से जो मिला था मैं। ऐसा क्या है मुझ में जो कि आप इतनी खुशी महसूस कर रहे हैं? सर, आप नहीं जानते क्या है आप में। सर, मुझ जैसों को तो जीने का तरीका ही आपने सिखाया है। जॉइन मी फॉर डिनर? नो सर, I just had my dinner. फिर भी बैठिए तो सही। I'll just keep my guitar here. So you normally have dinner around this time? Yes. But I was just playing my guitar here and I saw you. So yeah. फिर मैं आ गया आपसे मिलने। मैं आपको सर यही बता रहा था, आपने बहुत इंस्पायर किया है हमारी जनरेशन को। आप मेरा केस लीजिए। आप पहले, मैं हर चीज़ से डरता था, चाहे स्टडीज़ हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी कंपटीशन हो सर, हर चीज़ से डरता था। पर जब मैंने आपकी किताबें पढ़ी तब मेरी समझ में आया कि ये मेरी खुद की सोच है जो मुझे जीतने से रोकती है। सही सर, मैंने ये जाना कि रिजल्ट ओरिएंटेड ना होके मुझे 100% एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जीत और हार हमारे हाथ में नहीं है, ये सब बेकार है। क्या काम करते हैं आप? सर, मैं एक MNC में सीनियर सेल्स मैनेजर। और यहाँ? सर, यहाँ एक सेल्स कॉन्फ्रेंस में ही आया हूँ मैं। अच्छी बात है बेटा, तुम्हारे में जिंदगी जीने का एक जज्बा है। अपने अंदर के इस बच्चे को कभी मरने मत देना, क्योंकि यही है जो हमें उत्साह और उमंग देता है, जिंदगी को उड़ान देता है। वरना ये जिंदगी बिल्कुल मायूस, बेकार
बेतरतीब सी लगने लगती है। हेलो सर। हेलो हेलो सर, कल एक बात मैं आपसे पूछना ही भूल गया। क्या सर? आप कहते हैं ना, हैप्पीनेस इज एन एटीट्यूड, एक नज़रिया है जिससे हम सब खुश रह सकते हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल जबकि हमारे अपने हमें धोखा दे रहे हों, हमें हर्ट कर रहे हों, हम खुश कैसे रह सकते हैं? ये नज़रिया यूं ही समझ में नहीं आता, सालों प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ओनली व्हेन यू फॉरगो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीपल यू गेट हैप्पीनेस एंड जॉय। बट सर, ऐसा तो कोई संत ही कर सकता है, आम आदमी नहीं कर सकता सर। हर इंसान में संत बनने की कुवत। सर, हाउ इज इट प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल है अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस से ज्यादा हमारी कोशिश हो कि हम दूसरों में खुशी बांटें, then it is possible. सर, पर ऐसे तो करोड़ों में कोई एक ही हो सकता है, जैसे आप सर। मैं नहीं जानता ये बात, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, अभी तो मुझे जाना है। एक रिक्वेस्ट। हाँ बोलो। आप आज मेरे साथ डिनर लें। Let's see if I'm able to come back in time. Check with me in the evening. Okay. Okay. Hello. Yes. No. You can't do this to me. मैं बर्बाद हो जाऊंगा। Please. No. Ritu, no. यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं। यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं। जुदा हो क्या कर रहे हैं आप? तुम क्यों आए हो यहां? सर, आपको मेरे साथ डिनर पे चलना था। मुझे कहीं नहीं जाना, जाओ यहां से। दूसरों को इंस्पायर करने वाला आज खुद कायरो जैसी हरकत क्यों कर रहा है?
तुम्हें इससे मतलब? मतलब है सर, एक इंस्पिरेशन गुरु, एक विजनरी को ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी जान लेने में आमादा हो गया? गॉड, यू हैव शटर्ड माय बिलीव्स। बहुत ना इंसाफी की है आपने। आपने मेरी सोच, मेरे विश्वास को हिलाकर रख दिया है। तुम क्या जानो कि मैं किस मुश्किल में हूं? आप तो कहते हैं ना, हर मुश्किल को जीता जा सकता है, बशर्ते इंसान में हौसला हो, हंसने का मादा। हंसने का मादा? अरे गलत कहता था मैं, पर आप तो बख्श दो मुझे, जाओ यहां से। सिक्योरिटी, रूम नंबर 416 में एक आदमी किसी को मारने जा रहा है, अब उसके हाथ में पिस्तौल भी है, अब जल्दी से कुछ करिए फौरन। क्यों जाऊं? मुझे जवाब चाहिए। आपने मेरे विश्वास और आदर्शों को तोड़ा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? अरे मैं पहले ही बहुत दुखी इंसान हूं, खारा हुआ आदमी जिस पे कल तुम तो क्या सारी दुनिया थूकेगी। क्यों, ऐसा क्या हुआ कि आपने अपनी जान लेने का इरादा कर ली? क्यों बताओ, तुम्हें कौन लगते हो तुम मेरे? अरे मेरे अपने मेरे को नाकारा और बेकार इंसान समझते हैं, उनकी नफरत और हिकारत में सह नहीं सकता। जाओ यहां से। छोड़ दूं आपको, जबकि आपने मेरे साथ, मेरी जिंदगी के साथ विश्वासघात किया है। आपके जैसे हिपोक्रेट को, जो लोगों को झूठे सपने दिखाता है, उनका विश्वास तोड़ता है, उसे तो सारी दुनिया के सामने गोली मार देनी चाहिए। नॉट वर्थ द रिस्पेक्ट आई गेव यू। जिंदगी का क्या होगा, हम फिर कभी मिले या ना मिले? जिंदगी का क्या होगा, हम फिर कभी मिले या ना मिले?